चलिए आप सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए और ध्यान से फिर वीडियो को देखें। तो गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए सबसे पहले मैं कल का ही जो टॉपिक मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का आपको परमाणु संरचना बना करके भेजना था, लेकिन केवल 3 ही बच्चों ने मेरे पास परमाणु संरचना बना करके भेजी है। इसका मतलब है कि बाकी सारे बच्चे जो ध्यान से वीडियो देखते नहीं है ना। तो आप लोग ध्यान से देखें देखें क्योंकि फीडबैक मिलेगा तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं तो जो केवल टाइम पास करने से कोई मतलब है ही नहीं फालतू में, है ना। तो आप लोग फीडबैक बराबर देते रहें, तो जो कमी होगी वो कमी भी पूरी करूंगा मैं, इसीलिए आप लोग फीडबैक बराबर देते रहें। तो देखिए मैं कल जो मैंने आपको परमाणु संरचना बनाने के लिए बोला था, तो उसको ना बनाने के 2 कारण हो सकते हैं कि या तो बाकी बच्चों को पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आया कैसे बनाना है, या फिर उन्होंने वीडियो जो है वो केवल चालू छोड़ करके वो सो गए थे। तो ऐसा काम आप लोग ना करें, ठीक है। बीच बीच में अपनी फीडबैक जरूर देते रहें, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि परमाणु संरचना आखिर किस तरह की होती है ना। जो जर्मेनियम और कल हम लोगों ने जर्मेनियम, कल मैंने आपको बोला था कि आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन इन दोनों की परमाणु संरचना बना करके व्हाट्सएप करने का मैंने आपको कहा था, ठीक है। और इनके बारे में मैंने बताया था कि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 तथा सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, ठीक है। तो देखिए इनकी परमाणु संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब पता होगी तभी तो आप उसको नाभिक में, नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप पता लगाएं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है जर्मेनियम में, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट इसके पहले पढ़ा था परमाणु संरचना में कि किसी परमाणु में जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक जर्मेनियम का जैसा मैंने बताया 32 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 32 ही होंगे, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32 और सिलिकॉन में कितने होंगे 14। अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट कक्षा कौन सी होती है, के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर आपको पता लगाना है दूसरी कक्षा कौन सी होती है, एल कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है दोनों परमाणुओं के लिए। फिर एम कक्षा में कितनी है ये आपको पता लगा करके फिल करना था। तो आपको केवल 2n² का फार्मूला लगाना है, पहली कक्षा में कितना हो जाएगा जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए। आप लोग देखें जर्मेनियम के लिए देखें कितना, दोनों में पहली कक्षा में 2n² के हिसाब से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। अब दोनों में, अब चूंकि जर्मेनियम में 32 में से 2 तो यहाँ पहली कक्षा में फिल हो गए, अब कितने बचे 30 बचे। इसी प्रकार से सिलिकॉन में भी कितने बचे हुए 12 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तभी और कक्षाएं खुलेंगी क्योंकि तो बाकी के इलेक्ट्रॉन को भी तो फिल करना है। तो एक कक्षा ओपन हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा में चले जाएंगे, अब नेक्स्ट कक्षा में बाकी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एल कक्षा जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n² के हिसाब से, यहाँ भी फार्मूला आप लोग अप्लाई करें। एन जो क्या है इसका क्रमांक है, यहाँ पर एन की जगह 2 का मान रख के देखें आप, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम की और सिलिकॉन की, दोनों की कक्षाओं में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो ये कितना होगा, अभी 10 इलेक्ट्रॉन जो आ चुके हैं, 32 में से 10 चलेगा जर्मेनियम में, तो अभी कितने जर्मेनियम के पास बचे हैं इलेक्ट्रॉन्स, अभी इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2n² नियम के हिसाब से, यहाँ पर हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अब देखिए सिलिकॉन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसकी एम कक्षा में, लेकिन इसके पास तो अब 18 बचे ही नहीं है, इसका 4 है। तो इसमें जो 4 शेष इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एम कक्षा में फिट हो जाएंगे, यानी कि इसकी जो एम कक्षा है वो अपूर्ण होगी, यानी कि अस्थायी होगी, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, जो सिलिकॉन जो जर्मेनियम पदार्थ है इसकी एक और अन्य कक्षा खुल जाएगी, इसकी एम कक्षा भी खुल जाएगी। हम 2n² का फार्मूला लगाएंगे और अब देखेंगे कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जर्मेनियम की जो चौथी कक्षा है इसमें,
2n स्क्वायर के हिसाब से इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। लेकिन इसके पास कितने हैं, इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आप लोग जो है, आपको क्या करना था, बस ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रत्येक कक्षा में कितनी वैल्यू है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको कैलकुलेट करना था, और कैलकुलेट करके इनको केवल आपको फिल करना था, है ना। वो फिल करके आपको इसे व्हाट्सअप करना था, लेकिन आप लोगों ने इतना भी नहीं किया। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आपको बताते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे हमको केवल परमाणु संरचना बनाना है, तो दोनों के आप परमाणु ये बना लीजिए, है ना। फिर इसके बाद यहाँ कक्षा बना लीजिए, ये इस तरह से इनकी कक्षाएं बना लेंगे हम लोग, है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपको कल फिल करना है बस। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना था, है ना। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इसके बाद फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, जैसे ये सिलिकॉन के लिए मान लें, तो अब सिलिकॉन के लिए आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, इसमें फिल कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को ये बनाना था। आप लोग भेज देते तो बहुत अच्छी बात होती, मगर आप लोगों ने भेजे ही नहीं। ठीक है, तो ये किसका परमाणु संरचना बन गई, सिलिकॉन की। ठीक है, इस तरह से आप लोग और भी परमाणुओं की जो है संरचना बना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम की परमाणु संरचना भी देखी है। अभी मैंने सिलिकॉन को बना दिया है, अब जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो जर्मेनियम को बना करके देख लें। तो देखिए, कल हमने देखा था, कल हमने बात की थी कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं, अर्धचालक पदार्थ मैंने आपको बताए थे, अर्धचालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अर्धचालक को भी हमने वर्गीकृत किया था, और अर्धचालक को कितने रूपों में बांटा था, अर्धचालक को हमने 2 प्रकारों में बांटा था। अर्धचालक को 2 प्रकारों में बांटा था, कौन कौन से, अर्धचालक जो थे 2 प्रकार के हमने बांटे थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन से थे। ठीक है, जो अर्धचालक मैंने बताए थे आपको, एक था एक्सट्रिंसिक और एक था इंट्रिंसिक, है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। तो देखिए, शुद्ध जो जो शुद्ध अर्धचालक होता है, जिसमें किसी भी दूसरे पदार्थ की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, है ना, जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है उसी को हम लोग इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। और सामान्य अवस्था में ये जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक होता है, ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर, कि जो एक्सट्रिंसिक मटेरियल है, एक्सट्रिंसिक मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धियाँ मिला देते हैं, है ना। इसमें अशुद्धियाँ किसने, इसमें हम लोग अशुद्धियाँ मिला देते हैं। अब अशुद्धियाँ मिलाने से क्या होगा कि चालकता बढ़ जाएगी, तो अशुद्धियाँ हम लोग कौन कौन सी मिलाते हैं, इसमें हम लोग इसमें अशुद्धि मिलाते हैं त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी,
अभी आपको आगे पता चलेगा त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धियां क्या होती है और ये अलग अलग अशुद्धियां मिलाने का आखिर एडवांटेज क्या है ना। तो ये आपको समझ में आया कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मटेरियल क्या होता है। जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसे ही हम इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी होता है, इसे हम निज टाइप अर्धचालक भी कहते हैं। इसे निज टाइप अर्धचालक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम एक क्रिस्टल देखेंगे। ये हम सिंगल एटम की बात कर रहे थे हमने सिलिकॉन की। अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कोई परमाणु है, कोई कोई पदार्थ जैसे सिलिकॉन है, तो उसकी रचना किस तरह की होती है। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि एक जो परमाणु होते हैं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर परमाणु बना करके बता देता हूँ। मैं आपको जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है वो उसकी संरचना किस तरह की होती है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए ये हमने जो अभी ड्रा किया है, ये जो दिख रहा है सर्कल्स, आप ये मैंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जर्मेनियम के क्रिस्टल में उसके एटम को, है ना। क्योंकि जब एक से अधिक एटम यदि आपस में क्रिया कर लेते हैं तभी वह मटेरियल बनता है। तो ये हमारा कौन सा मटेरियल बन गया, ये जो है जर्मेनियम है, ठीक है। कौन सा मटेरियल दिख रहा है आपको, ये जर्मेनियम। और अभी मैं आपको शुद्ध जर्मेनियम की बात कर रहा हूँ, शुद्ध जर्मेनियम बना करके बता रहा हूँ कि आखिर शुद्ध जर्मेनियम में रचना किस तरह की होती है ना। तो ये हमारा शुद्ध जर्मेनियम है। अब देखिए शुद्ध जर्मेनियम में क्या होता है, अब यहाँ पर जो एक सेंट्रल में एक जर्मेनियम मटेरियल है, एक जर्मेनियम एटम है, वो क्या करता है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, और एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे जो जर्मेनियम है इससे शेयर करता है ना। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जर्मेनियम के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कुल मिलाकर के चार इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं जर्मेनियम के पास। ये जर्मेनियम के पास जो है चार इलेक्ट्रॉन से, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये तीन इलेक्ट्रॉन हो गए और ये चार इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इसके खुद के पास है ये इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या क्या होता है कि जब ये चार इलेक्ट्रॉन इसको अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करना है ना, इसे क्या करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति स्टेबिलिटी चाहता है, तो इसे भी स्टेबिलिटी चाहता है चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपनी अंतिम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेंगे। तो अब क्या होगा, देखिए ये परमाणु क्या करेंगे, ये जो जर्मेनियम है ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऊपर वाले जर्मेनियम को दे देगा, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इससे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर शेयर करेगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। अब इसके पास जो नीचे वाले जर्मेनियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके पास हो चुके हैं पांच इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर भी बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम परमाणु है इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं। मतलब ये पर्टिकुलरली हमेशा के लिए नहीं त्यागते, दोनों का इनमें अधिकार होता है ना, तभी तो ये दोनों को स्टेबिलिटी मिलेगी। दोनों की प्रॉपर्टी हुई, दोनों के पास अंतिम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड जिसमें अंतिम कक्षा में इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है ये आपस में साझा करते हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये सभी से क्या करा इन्होंने, सभी जर्मेनियम एटम से इसने इस सभी को एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करने के लिए दे दिया, और दूसरा जर्मेनियम परमाणु से इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लिया। तो इस तरह से
इस तरह की शेयरिंग के कारण क्या हुआ, इस तरह की शेयरिंग के कारण आप लोग देखिए क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, ये पूरे जो आठ इलेक्ट्रॉन हैं, ये पूरे के पूरे आठ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस जर्मेनियम नाभिक के साथ जो है, इस जर्मेनियम नाभिक में इसको जर्मेनियम के जो परमाणु को स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि आठ इलेक्ट्रॉन जो है इसके स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, है ना। तो देखिए आप आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहाँ पे, तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से जर्मेनियम के क्रिस्टल की रचना होती है ना। ये जो रचना आप देख रहे हैं, ये संरचना किसकी है, ये संरचना है जर्मेनियम क्रिस्टल की, ठीक है, ये है जर्मेनियम क्रिस्टल। अब यहाँ आप लोग देखें, ये जो जर्मेनियम क्रिस्टल है, इस जर्मेनियम क्रिस्टल में यहाँ कोई आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या, यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जर्मेनियम तो कुचालक है ना, ये तो कुचालक है। इस कुचालक का आखिर हमारे पास उपयोग क्या है, क्योंकि कुचालक मटेरियल तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, है ना, जैसे रबर हो गया या एस्बेस्टस हो गया, ये तो इससे ज्यादा अच्छे कुचालक हैं, जो मजबूत भी होते हैं, ठोस होते हैं, है ना। तो आखिर ये अर्धचालक जो हम इतनी स्टडी कर रहे थे, ये तो कोई मतलब का ही नहीं है ना। नहीं देखिए ऐसा नहीं होता, क्या होता है कि अर्धचालक जो हैं, यदि मान लीजिए जैसा कि हमने वेन डायग्राम से देखा था कि इनका चालन बेंड और संयोजी बेंड जो है वो उसमें गेप बहुत कम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अशुद्धि मिला सकते हैं। अशुद्धि मिलाने से क्या होगा कि इसकी जो बेंड गेप है वो और कम हो जाएगी, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जब हम लोग अशुद्धि मिला देते हैं तो किस तरह का मटेरियल बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें अशुद्धि मिलाएंगे, है ना। चलिए इसमें मैं अशुद्धि मिलाता हूँ, इसमें अशुद्धि मिलाने के लिए हम लोग ठीक है, इसमें हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं, और यहाँ पे जो बीच वाला जो मटेरियल था, इस बीच वाले मटेरियल के जब हमने क्या किया, यहाँ मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेंटावेलेंट अशुद्धि मिला देते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर एक ट्राइवेलेंट अशुद्धि में मिला रहा हूँ, ठीक है, ट्राइवेलेंट अशुद्धि अब मैं यहाँ पर मिलाऊंगा, तो ट्राइवेलेंट अशुद्धि में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडियम का यूज कर सकते हैं। जो इंडियम होता है, इंडियम एक ट्राइवेलेंट अशुद्धि है ना, आईएन इंडियम एक ट्राइवेलेंट अशुद्धि है, इसको हम मिला सकते हैं। अब इंडियम के पास देखिए, इंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंडियम के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है ना, फिर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास यहाँ भी होता है ना। तो ये इंडियम परमाणु हो गया। अब इंडियम में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये इंडियम क्या करेगा, ये भी जो बगल के इसके इसके साइड में जो जर्मेनियम के चारों तरफ, जो इंडियम के चारों तरफ जर्मेनियम परमाणु हैं, ये इनसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि इसकी जो अंतिम कक्षा है वो स्टेबिलिटी प्राप्त करे। तो ये क्या करता है, देखिए किस प्रकार से ये शेयर हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने इस जर्मेनियम को दे दिया, और जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, है ना। इन्होंने क्या किया, दोनों ने अपने एक एक परमाणु शेयर कर लिए, इनकी 50-50 की पार्टनरशिप है ना, क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो है, इन दोनों की प्रॉपर्टी है, तो
इनकी 50-50 पार्टनरशिप हो गई, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग दिया है ना। इसी तरह से ये क्या करेगा, नीचे वाले जर्मेनियम परमाणु से भी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा है ना, इनकी भी 50% की पार्टनरशिप है। फिर ये ऊपर वाला जो जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन है इससे भी इसने बराबर मात्रा में पार्टनरशिप की 50-50 की, और एक एक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ने शेयर किया है ना। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अभी 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब क्या करेगा ये कि अब इसके पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं। अब ये वाला जो जर्मेनियम था, इस जर्मेनियम ने इसे क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, यहाँ पर इसने जर्मेनियम ने इंडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, लेकिन लेकिन जब बात आई लेने की है ना, तो इस इंडियम ने इसको कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस ही रहा है ना। तो इसे हम लोग ब्लैंक स्पेस बना लेते हैं पहले है ना, इसे हम लोग फिल कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हाँ तो ये देखिए आप लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये जो इंडियम था इसे क्या करना था, जर्मेनियम को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देना था, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पर एक कमी है। अब इसका स्थायित्व तो अभी भी नहीं हुआ, इसके पास जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने थे तब इसको स्थायित्व मिलता, तो यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके अंतिम कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पर अंतिम कक्षा में अभी केवल संयोजी बैंड जो है, ये जो संयोजी कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अभी अभी केवल इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक कमी भी है ना, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है। तो उस कमी को हम लोग क्या करते हैं, एक हालो सर्कल या खोखले सर्कल के द्वारा दर्शा सकते हैं है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया होल है ना। ये जो खाली सर्कल आपको दिख रहा है ना, इसका रंग मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए तो ये जो खाली सर्कल आपको दिख रहा है ये क्या है, कैसे बनाते हैं, ये जो होल हॉलो सर्कल आपको दिख रहा है एक होल है, एक्चुअली एक वेकेंसी है ना। इस वेकेंसी में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, तो ये एक वेकेंसी रह गई यहाँ पर, और ये किसमें, संयोजी बैंड में है ना। ये आपने देखा ये अंतिम कक्षा है, ये संयोजी कक्षा है, तो इस संयोजी कक्षा में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना। तो यहाँ क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था, तो इस कमी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसे नाम देते हैं हम होल, इसे नाम दिया गया है होल ठीक है। ये जो कमी है इस कमी को हमने नाम दिया है होल, ठीक है। तो ये होल जो है एक्चुअली देखिए इसकी क्या विशेषता है कि नॉर्मली क्या होता है कि ये जो परमाणु है ना, इस परमाणु में अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता। अब स्टेबिलिटी प्राप्त यदि कर लेता तो इसमें किसी प्रकार का कोई चालन होता ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ होल होने से क्या हो सकता है, देखिए होल होने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसके अगल बगल के जो एटम है ना, इन पर यदि मान लीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे ही आप इस पर वोल्टेज लगाएंगे, जैसे ही इसमें हम लोग कुछ वोल्टेज ग्रेडियंट लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन बन गया, और जो ये यहाँ पर जगह थी, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर गया यहाँ से, तो क्या हुआ, यहाँ पे वैकेंसी बन गई। अब यहाँ देखिए ये वैकेंसी बन गई, तो क्या हुआ यहाँ पर, एक तरह से ये जो होल था, ये होल हम कह सकते हैं, ये मूव किया होल ने, जो होल था उसने मूव किया है ना। ये यहाँ वैकेंसी थी, तो यहाँ से ये वैकेंसी इधर आ गई है ना। अब अगर यहाँ बगल में कोई एटम होता, यहाँ पर कोई एटम होता अगर, तो क्या होगा, पोटेंशियल चूंकि इसमें लगा हुआ है, तो
तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, संयोजी बैंड का है ये, जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चूंकि होल है यहाँ, चूंकि जगह है यहाँ पर वेकेंसी है, तो ये होल जो है यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जा सकता है। तब यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये वापस से यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, अब वेकेंसी कहाँ बन गई, अब जो वेकेंसी थी वो कहाँ क्रिएट हो चुकी है, अब यहाँ क्रिएट हो चुकी है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो देखिए आप, हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक होल का मूवमेंट हो रहा है, जो होल है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इंडियम के एटम से बाहर की ओर होल का मूवमेंट हो रहा है ना। ठीक है, अब होल का मूवमेंट हो रहा है यानी कि अब देखिए ये जो परमाणु था, अब यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणात्मक आवेशित होता है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला गया तो यहाँ क्या होगा, एक तरह का जब ऋणावेश गया तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं एक तरह से कि जो ये जर्मेनियम है इसमें क्या हो रहा है, अब जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं होल्स, इसमें होल्स की मूवमेंट हो रही है ना। तो ये एक अर्धचालक बनाने का हमारा एडवांटेज है कि इस होल्स में ना केवल इलेक्ट्रॉन्स है ना, बल्कि इसमें होल्स भी मूवमेंट करते हैं, इसमें जो धनात्मक आवेश है वह भी मूवमेंट करता है। और ये धनात्मक आवेश भी आपने देखा कि ये कौन सी कक्षा में मूव कर रहा है, ये संयोजी बेड में मूव कर रहा है, ये वाली कक्षा कौन सी है, संयोजी वाली है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ को बनाने में निर्माण करने में कोवेलेंट मोड बना रहे हैं है ना, और उनके स्थान पर जो वेकेंसी खाली होती है वो ट्रेवल करती है ना। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर, यदि चलिए ये स्पेस में पहले क्लियर करूँ उसके बाद आपको बताता हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम बना करके। अब देखिए हम यहाँ पर एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमने एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया, ये देखिए। तो अब इस एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से आप लोग देखिए कि अब ये जो संयोजी बैंड था, संयोजी बैंड में हमने देखा कि यहाँ पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे है ना। संयोजी बैंड में नॉर्मली यहाँ पर अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये जो चालन बैंड होता है, ये जो चालन बैंड है ये वाला, ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये खाली होता है, ये रिक्त होता है। ये क्या होता है, ये रिक्त होता है ना, खाली होता है। लेकिन अभी देखिए आप क्या हुआ इसमें कि ये जो संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड में क्या हुआ, यहाँ पर होल्स बन गए, ये होल्स बने हुए हैं यहाँ पर है ना, होल्स बने हुए हैं। और इन होल्स में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ की बात करते हैं, चलिए इधर से पहले से बता देता हूँ, ये यहाँ से देखिए आप लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस लगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पर, ये वाले इलेक्ट्रॉन पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस लगा इस तरफ, तो ये क्या होगा, ये होल जो है जो ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वेकेंसी फिल हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन के स्थान पर यहाँ किसने ले लिया, अब यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। अब फिर क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये फिर इसको फिल करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा और ये होल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखिए जो होल पहले यहाँ स्टार्टिंग में था वो कैसे मूव कर रहा है, इस संयोजी बैंड में भी मूव कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन की गति किस तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स की गति जो है वो इस डायरेक्शन में है ना, और होल्स की गति किस तरफ है, होल्स की गति जो है वो इस डायरेक्शन में है, जो वोल्टेज डिफरेंस हमने लगाया उसके कारण से है ना। तो यहाँ पर जो क्या होता है, देखिए नॉर्मल अवस्था में जैसे ये जो शुद्ध अर्धचालक है, यदि मान लीजिए टेम्परेचर के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है गर्म वगैरह करने के कारण या दूसरे कंडीशंस के कारण क्या हो गए, एक दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इसमें चालन मेड में जाते हैं। तब देखिए इस अर्धचालक में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं और इसमें होल्स भी मूव कर रहे हैं, लेकिन होल्स जो है वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की गति की विपरीत दिशा में, है ना। तो ये हमारा जो है अर्धचालक मटेरियल का बेनिफिट होता है कि अर्धचालक मटेरियल में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण ही जो है विद्युत धारा प्रभावित होती है ना। ये बात आप लोग याद रखें, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि देखिए आपने देखा होगा देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी सड़क भी होती हैं हमारे इंडिया में कि जिसमें देखिए केवल एक ही तरफ से ट्रैफिक चल रहा है ना, केवल एक ही तरफ से आने की व्यवस्था जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो इस ये जबकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आजकल 4 लेन बनने लगे हैं तो क्या होता है 2-वे ट्रैफिक होता है, एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और दूसरी तरफ से जा रही हैं, तो इसमें ज्यादा सुविधा होती है ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है, उसमें होल्स की भी गति होती है ना, ठीक है। जबकि जो चालक मटेरियल है इसमें क्या होता है केवल इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है। तो ये एक डिफरेंस है और इस डिफरेंस से हम बहुत सारे डिवाइसेस बना सकते हैं, अलग अलग जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस बनाई जा सकती है। देखिए हमने जो ये वाला मटेरियल मैंने बताया था जिसमें इंडियम हमने मिलाया है, एक ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाई है, ट्राइवेलेंट यानी कि ट्राइवेलेंट अशुद्धि में बार बार इसे बोल रहा हूँ तो आपको एक बार ट्राइवेलेंट का क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ट्राइवेलेंट अशुद्धि क्या होता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं ट्राइवेलेंट अशुद्धि आखिर किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ इंडियम में आपने देखा कि इंडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इंडियम के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि, ठीक है। और जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग कहते हैं पंचसंयोजी, ठीक है। देखिए ट्राइवेलेंट के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं, ऐसे परमाणु होते हैं हमारे पास इंडियम और गैलियम, इंडियम और गैलियम, ये क्या कहलाते हैं, ट्राइवेलेंट। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इंडियम जो है वो किस प्रकार की अशुद्धि है, ट्राइवेलेंट है या पंचसंयोजी है या त्रिसंयोजी है, ठीक है। अच्छा ये एक परमाणु बताओ, ये एक परिभाषा मैंने बता दी ट्राइवेलेंट और पंचसंयोजी की, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा फिर से एक बार तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहां मैंने बताया आपको कि जब हमने इंडियम मिलाया था इसमें तो इंडियम मिलाने से क्या हुआ, यहाँ पर एक होल हमारे पास शेष बच रहा था, है ना। तो ऐसे जब हमने इसमें इंडियम मिलाया इस मटेरियल में तो ये पूरा जो मटेरियल होगा, इस मटेरियल में बहुत सारे कई जर्मेनियम के परमाणु और कई इंडियम के परमाणु हम जब मिला देते हैं तो इस मटेरियल में क्या होगा, इस पूरे मटेरियल में ढेर सारे जो है होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ट्राइवेलेंट अशुद्धि हमने किसी मटेरियल में मिलाई तो उसमें क्या होगा, ये होल्स जो है वो बन गए, होल्स क्रिएट हो गए, है ना। अब होल्स की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन इस मटेरियल में देखो चूंकि जैसे मान लीजिए तापमान वगैरह यदि लगता है, जैसे गर्मी वगैरह अगर है तो गर्मी में क्या होगा, इसमें इसमें कुछ जो ये संयोग जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी पाकर के जो फ्री मूवमेंट करने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की तरह मूवमेंट करने लगते हैं, इतनी एनर्जी प्राप्त कर जाते हैं कि इस नाभिक का इन पर कोई अधिकार नहीं रहता, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए क्या होगा कि जो मटेरियल है इसमें आपके होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं,
लेकिन यहाँ पर आप लोग देखें कि जो होल्स इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें कम होती है। तो आप लोग का ध्यान रखेंगे कि जब हम ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक तो होल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, है ना, तो ऐसा पदार्थ, ऐसा मटेरियल जिसमें ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाने पर होल्स का निर्माण हो जाता है, ऐसे मटेरियल को हम वो क्या बोलते हैं, पी टाइप। ये कौन सा मटेरियल बना, पी टाइप, क्यों, क्योंकि इसमें होल ज्यादा है, होल एक तरह से क्या है, धनात्मक आवेशित, है ना, एक तरह से आप उसको धनावेश बोल सकते हो, है ना, तो ये क्या होगा, पी टाइप, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप मटेरियल। और पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, होल्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कैरियर ज्यादा मात्रा में होगा इसे हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और जो मटेरियल जो चार्ज कम मात्रा में, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी गर्मी वगैरह से उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर कहते हैं हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी, इसकी जनसंख्या कम है ना, ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, तो इसीलिए हमने नाम दिया इसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्लियर करते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एन टाइप मटेरियल क्या होता है। देखिए, पहले मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि ये जो ट्राइवेलेंट अशुद्धि थी, है ना, जब मैंने इसमें त्रिसंयोजी मटेरियल मिलाया, जैसे इंडियम मिलाया, है ना, तो जो इंडियम है, इंडियम ने यहाँ क्या किया है, इस मटेरियल में इंडियम, इंडियम ने यहाँ पर कोई भी परमाणु, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वह यहाँ पर इसके बाद एक्स्ट्रा नहीं था। इसने क्या किया, ये आखिरी वाला जो जर्मेनियम था, इस जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया था, इसे कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया नहीं था, मतलब ये क्या हो गया, ये ऋणी हो गया ना, इसने भाई क्या किया, कर्ज लिया यहाँ से, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो कर्ज ही कहा जाएगा, मतलब एक्सेप्ट किया इसने, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर टाइप की अशुद्धि। जितनी भी ट्राइवेलेंट होगी ना, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर अशुद्धि, यानी कि ग्राही अशुद्धि, है ना, ये ऋणी रहता है, ग्राही अशुद्धि, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि ग्राही अशुद्धि क्या होती है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि जब हमने ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाई तब हमने क्या क्या का किया, थोड़ा सा रिकेप हो जाएगा तो आप लोगों को एक बार फिर से अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल था उसमें एक ट्राइवेलेंट इंडियम को मिला दिया, और ट्राइवेलेंट इंडियम को मिला दिया तो इसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और उसे हमने क्या नाम दे दिया, उसे हमने होल का नाम दे दिया, है ना। तो इस टाइप का मटेरियल जिसमें होल्स की अशुद्धि थी, उसे हमने क्या कहा, पी टाइप मटेरियल कहा, है ना। तो पी टाइप मटेरियल में क्या हुआ, होल्स हमने देखा, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव कर रहे थे, है ना, लेकिन इसमें होल्स जो थे वो मेजोरिटी कैरियर हैं, मतलब होल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी में हैं, यानी कि इनकी संख्या बहुत कम है ना। हिंदी में आप लोग एक बार बुक से देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि माइनॉरिटी कैरियर को क्या कहते हैं, है ना। आपको जब पी टाइप मटेरियल आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको जिस मटेरियल में बताएगा, एक सारणी बनी हुई है वहाँ पर, तो उसमें हिंदी नाम इसका लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी क्या होता है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, अगर आपने टॉपिक को ध्यान से सुना है तो। आप कमेंट करके बताइएगा कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, फिर इसके बाद हमने जाना कि जो इंडियम है इसे क्या बोलते हैं लोग, एक्सेप्टर अशुद्धि। एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो अंतिम जर्मेनियम परमाणु था उसको इसने कुछ भी दान नहीं दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया था, केवल एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया था, तो जो केवल लेगा ही लेगा उसको तो ग्राही तो बोलना ही पड़ेगा, वो तो एक्सेप्ट कर रहा है
ना, ये क्या बोला कहलाता है, ग्राही अशुद्धि। तो ये बात है हम लोगों को पता चल गई, इसको हम एक और नाम देते हैं ट्राइवेलेंट त्रिसंयोजी अशुद्धि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो इंडियम है इसके अंतिम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिस भी परमाणु के अंतिम कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट या त्रिसंयोजी अशुद्धि। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब चलिए एक टॉपिक अन टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि अगर हम मान लीजिए जर्मेनियम का जो परमाणु है, जैसे ये जर्मेनियम के परमाणु है, यदि ये जर्मेनियम के 4 परमाणु यदि हैं और इन जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के एकरस, यदि जर्मेनियम के 4 परमाणु जो हैं, यदि इन 4 परमाणुओं में यदि बीच में हम यहाँ पर एक आर्सेनिक का परमाणु मिला दें, है ना, तो आर्सेनिक क्या होता है, पंच संयोजी होता है। तो पंच संयोजी परमाणु मिलाने से जर्मेनियम के चारों तरफ अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह का मटेरियल बनता है और इसकी क्या खासियत है। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए जर्मेनियम के पास कितने परमाणु, जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, पहले 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हो गया है इलेक्ट्रॉन पांचवा, है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए ये क्या करेगा कि ये अपनी अंतिम कक्षा को पूरा करना है, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, है ना। अब जर्मेनियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, तो ये क्या करेगा, पहले इससे 1 परमाणु शेयर करेगा और इसके साथ 1 परमाणु इससे इसका वाला शेयर करेगा। तो इस तरह से कितने हो गए यहाँ पर इसके पास, अभी अभी इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। फिर देखिए इसने यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका आर्सेनिक वाला जो है वो अपना इसको शेयर करने के लिए दे दिया और इससे कहा कि आप अपना परमाणु मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके पास, यहाँ पर अभी इसके पास हो चुके हैं 60, अभी 6 हो चुके हैं इसके पास। ठीक है, फिर ये वाला जो जर्मेनियम है, इस जर्मेनियम से भी इसने क्या किया, इस जर्मेनियम से भी इसने 1 परमाणु साझेदारी कर ली, एक एक परमाणु की इन दोनों ने भी। अब कितने हुए इनके पास, अब इनके पास जो है आर्सेनिक के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब ये क्या करता है, अब जो बगल नीचे वाला जो है, नीचे वाले को भी जर्मेनियम को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, है ना, अब कितने हो चुके हैं इनके पास, अब इसके पास हो चुके हैं 9 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, टोटल मिलाकर यहाँ पर हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो इस 9 इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ, ये हो जाएगा फ्री, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए हमें केवल 8, और इसके पास कितने हो गए यहाँ पर, इसके पास तो एक एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें बढ़ रही है, इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो ऐसा मटेरियल का कहलाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, ये मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एन टाइप मटेरियल। ठीक है, इसे हम लोग नाम देते हैं एन टाइप मटेरियल, है ना। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट और ध्यान ध्यान रखें आप लोग कि जैसे मान लीजिए इसमें भी अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये संयोजी वाले भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये गर्मी की वजह से या पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त करने के लिए अपना स्थान त्याग देंगे, त्याग सकते हैं और उच्च कक्षा में जा सकते हैं। लेकिन जब ये उच्च कक्षा में चले जाते हैं तो इनकी जगह पर क्या होता है, इनकी जगह पर एक वैकेंसी खाली रह जाती है ना, यानी कि होल्स रह जाते हैं, है ना। तो ये जो होल्स हैं इसमें एन टाइप मटेरियल में होल्स की संख्या कम होती है,
तो इसीलिए यहाँ पर एन टाइप मटेरियल में हम लोग क्या कह सकते हैं कि एन टाइप मटेरियल में होल्स कितने होते हैं, माइनॉरिटी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें होते हैं मेजोरिटी, जिसकी संख्या ज्यादा है वो रहता है मेजोरिटी, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि जो एन टाइप मटेरियल होता है इसमें होल्स माइनॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर्सेनिक जो था, आर्सेनिक किस तरह का मटेरियल है, पंच संयोजी है। क्यों? क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई है ना। अब देखिए, अब जो पंच संयोजी है आर्सेनिक, इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में यदि बात करें तो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पेंटावेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट, है ना। इसके और उदाहरण क्या हो सकते हैं, एक होता है एंटीमनी। यदि एंटीमनी को भी आप लोग मिला दें तब भी हमारे पास, एंटीमनी को भी यदि आप मिलाएंगे तब भी हमारे पास एक एन टाइप मटेरियल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, ठीक है। और अशुद्धि में लाने से जो है किस तरह से पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बन जाते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक बार वो जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल में क्या क्या अंतर होता है ये मैं आपको एक जगह एक साथ लिख करके बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ये डाउट जो है क्लियर हो जाए, और किसी भी तरह से अगर ऑब्जेक्टिव बने तो आप लोग उसे अच्छी तरह से टेकल कर सकें। चलिए तो हम लोग देखते हैं, एक तरफ हम लोग लिखेंगे एक तरफ हम लोग रख लेते हैं यहां पर हम लोग लिखते हैं पी टाइप मटेरियल, पी टाइप, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं एन टाइप मटेरियल, और अब इसमें देखते हैं इन दोनों मटेरियल में आखिर अंतर क्या था, ठीक है। तो देखिए पी टाइप मटेरियल को बनाने के लिए हमने क्या किया, त्रिसंयोजी मटेरियल का यूज किया, त्रिसंयोजी मटेरियल का हमने यूज किया, और एन टाइप मटेरियल का बनाने के लिए किस तरह का मटेरियल यूज किया, पंच संयोजी, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, ठीक है। फिर इसके बाद पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, होल्स जो है वो मेजोरिटी में होते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है, वहीं जो एन टाइप मटेरियल है इसमें होल्स की संख्या कम होती है ना, ये माइनॉरिटी होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, जबकि एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजोरिटी कैरियर होते हैं। तो आप देखिए ये बातें जो हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद रखें कि मेजोरिटी कैरियर किसे कहा जा रहा है और माइनॉरिटी किसे कहा जा रहा है, वो कौन से मटेरियल में कौन सा चार्ज कैरियर मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में जब हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बार बार नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि कभी आप बोलेंगे, कभी आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को ही मेजोरिटी चार्ज कैरियर कहा जा रहा है, और कभी आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही कभी माइनॉरिटी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, पी टाइप मटेरियल है या एन टाइप मटेरियल है, तो उसके आधार पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन सा चार्ज कैरियर मेजोरिटी है और कौन सा चार्ज कैरियर माइनॉरिटी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। फिर
यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जब पी टाइप मटेरियल बनाना हो तो वहां पर किस मटेरियल को मिलाया जाता है, इंडियम और गैलियम। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि जब इंडियम को मिलाया जाता है तो किस टाइप का मटेरियल बनता है, या गैलियम को बनाया मिलाया जाता है जर्मेनियम में सिलिकॉन में तो किस तरह का मटेरियल बनता है। ठीक है, इसी तरह से अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि यदि आर्सेनिक या एंटीमनी को यदि एंटाइप मटेरियल में मिलाया जाता है तो किस तरह का मटेरियल बनता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में सही ऑब्जेक्टिव होगा आपका एंटाइप मटेरियल। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक, अब हम लोग इसको यहाँ पर बाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, समय क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो फिर बच्चों को पढ़ने में जो है इंटरेस्ट नहीं रह जाता, इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर हम पहले एक बार रिकैप करा देता हूँ मैं कि अभी फिर हमने क्या क्या जाना। ठीक है, तो देखिए अभी अभी हमने जाना कि जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम मटेरियल में यदि हम लोग पंच संयोजी मटेरियल मिला दें आर्सेनिक, तो किस तरह का मटेरियल में बन जाता है, एन टाइप मटेरियल बन जाता है ना। और एन टाइप मटेरियल में, इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, है ना। और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसमें जानना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन बना करके सैद्धांतिकली मैं आपको पीएन जंक्शन बना करके यहाँ पर दिखाऊंगा कि पीएन जंक्शन यदि हम लोग बना दें तो इस जंक्शन के क्या एडवांटेज होते हैं और उसके से संबंधित विभिन्न जो परिभाषाएं होती हैं। तो हम लोग जंक्शन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें अंदर एक होता है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन होता है जिसे हम हिंदी में अवक्षय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस अवक्षय क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, किसे अवक्षय क्षेत्र या डिप्रेशन रीजन कहते हैं, यह इसके बारे में आप लोग जानेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कल मैं बताऊंगा कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, यह भी पीएन जंक्शन जब हम बनाएंगे तभी आपको क्लियर होगा। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर, ये नाम देखिए, नाम सुनने में आपको पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कुछ कठिन चीज है, लेकिन ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जब आप एक बार अगर इन्हें ध्यान से सुनेंगे अच्छी तरह से तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका एक एक डाउट जो है मैं क्लियर करूंगा, बस आप लोग जो है ध्यान से सुनते रहें। तो चलिए अगला मैं देखता हूँ। देखिए अगला टॉपिक जो है हम फिर कर लेंगे, डायोड,
डायोड क्या होता है, ठीक है, डायोड के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार का होता है ना, कितने प्रकार के होते हैं डायोड, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो सभी प्रकारों के बारे में आपको बताऊंगा। फिर डायोड का उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम लोग, उपयोग के बारे में जानेंगे। तो कल देखिए, जहाँ तक हो सके तो कल केवल शायद हम लोग डायोड के बारे में ही केवल एक इंट्रोडक्शन केवल पढ़ पाएंगे कि डायोड क्या होता है। बाकी डायोड जो है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो डायोड में एक से ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। तो कल हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लिए बोलना चाहूँगा कि यदि आप लोग प्रैक्टिकल की भी जानकारी लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उसके भी मैं वीडियो जो है उसको भी मैं आपको यहाँ पर लाइव करके पढ़ा करके बता दूंगा कि प्रैक्टिकल जो है किस तरह से होता है, या जो डायोड वगैरह किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से रेक्टिफायर और ये सभी सर्किट जो है किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये भी ऑनलाइन मेरे पास पढ़ाने की सुविधा है। लेकिन बस ये कि आप लोग यदि आप किसी मनसा हो और यदि आपका सपोर्ट रहे तभी मैं पढ़ाऊंगा, यदि दो चार बच्चे केवल पढ़ेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर दिन में टाइम निकालना हो सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम हम लोग उसको जो है सेशन को अपने शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है आपका जो भी प्रोग्राम हो वो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, तो उसे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, और कल फिर इसी समय 9 बजे 9 PM पर क्लासेस लगेंगी, ठीक है, कल भी 9 PM पर ही क्लासेस लगेंगी।